बीसीए की क्लास कहाँ चलती है? सर ये बीसीए की क्लास सर कब से चलेगी? Wait, ये तो हम ज्यादा आगे आ गए। हाय, मैं हूँ राजन पांडे। हाँ, मालूम है अभी नहीं दिख रहा मैं, पर ये आगे की पूरी वीडियो में मैं ही हूँ और मेरी ही कहानी है। BCA यानी कि बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। हाँ, एक ऐसा कोर्स जो आपको 3 साल में सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता है। सो अपना इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में जाऊँ और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। सो कंप्यूटर की फील्ड में जाने के लिए मैंने चूज़ किया बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो आज ये मेरा पहला दिन है और लिटरली मुझे नहीं पता कि मेरा BCA का कैंपस कौन सा है। बेसिकली मुझे यूनिवर्सिटी तो पता है, बट ये नहीं पता कि BCA का मेन कॉलेज कौन सा है, BCA की क्लास कौन सी है। सो आज हम जाने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एंड वहाँ पे जाके ढूंढने वाले हैं अपनी BCA की क्लास, जो कि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कहाँ पे चलती है। सो गाइस, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से यूनिवर्सिटी तकरीबन 30 किलोमीटर है, तो अभी मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं सीधे अवध यूनिवर्सिटी। सो गाइस, जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी देखता हूं तो मैं रुक सा जाता हूं एंड गाइस वहां पे रुक के मैं जो मूवीज में कॉलेज लाइफ होती है उसकी वाइब लेने लगता हूं। एंड काफ़ी ही ज़्यादा बड़ी और प्यारी यूनिवर्सिटी लगती है ये। फर्स्ट इंप्रेशन में तो मेरा दिल गार्डन हो जाता है। एंड गाइज, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात रहती है, क्योंकि मैं एक छोटे से स्कूल से UP बोर्ड से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था एंड पहली बार किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में कदम रख रहा होता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि पता नहीं कैसा होने वाला है मेरा BCA का क्लास वगैरह। मैं वाइब ले ही रहा होता हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल बोलते हैं कि बेटा ये गेट नंबर 2 है एंड ये हमेशा क्लोज रहता है, ये सिर्फ VIP लोगों के लिए ओपन होता है। तो फिर मैं और 100 मीटर चलता हूँ और आता हूँ गेट नंबर 1 पे एंड फाइनल एंट्री देता हूँ अवध यूनिवर्सिटी में। सो गाइज, यूनिवर्सिटी बाहर से तो प्यारी थी बट अंदर से और ही ज्यादा खूबसूरत थी। काफी अच्छा देखने लायक नजारा था और मैं थोड़ी देर के लिए वहां पे रुक जाता हूँ और थोड़ा इधर उधर देखने लगता हूँ। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits some loose shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. बट फिर मुझे याद आता है कि मुझे सिर्फ एक्सप्लोर ही नहीं करना है, मुझे तो अपनी BCA की क्लास ढूंढनी है, जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो गाइस, तभी मुझे वहाँ पे एक भाई दिखते हैं और मैं इधर उधर करते हुए उनके पास जा पहुँचता हूँ और पूछ लेता हूँ कि भाई यार, ये BCA की क्लास कहाँ चलती है? एंड ये भाई मुझे बताते हैं कि पीछे जो प्रशासनिक भवन है वहाँ पे जाके पूछिए एंड वहाँ पे आपको वो बताएंगे कि कहाँ पे BCA की क्लास चलती है। सो इन्हें थैंक्स करके मैं सीधे चला जाता हूँ प्रशासनिक भवन के अंदर। There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons. And वहाँ से मुझे ये पता चलता है कि आपको बाहर जाना है एंड बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल बैठे हुए हैं उनसे जाके पूछना है कि भैया BCA की क्लास कहाँ चलती है, देन आपको पता चलेगा। तो मैं निकल जाता हूँ सीधे बाहर वाले अंकल जी के पास। Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues. I need a comb to get through. Don't need to groan with you. Just go get your wrong tissue. एंड बाहर वाले अंकल जी मुझसे बोलते हैं, मतलब कहाँ है IT? 1 किलोमीटर आगे, तो यहाँ अंदर से जाए, 5-7-8 किलोमीटर। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। अब मुझे जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर अंदर IIT कैंपस में, जहाँ पे हमारी BCA की क्लासेस चलती हैं। सो यहाँ पे मुझे एक ई रिक्शा वाले भैया मिलते हैं
एंड मैं इनसे कहता हूँ कि भैया मुझे आईटी कैंपस जाना है, एंड ये कहते हैं भैया क्या? मैं कहता हूँ फिर से भैया आईटी कैंपस जाना है, तो ये हमसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो हम कहते हैं हाँ। एंड उसके बाद ये भैया सीधे चल पड़ते हैं और मुझे नहीं पता होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं, और मैं भी इन पे भरोसा करके इनके साथ निकल जाता हूँ। सो इन भैया ने मुझे बताया कि आपको हाईवे पर एक गेट दिख रहा होगा, वो भी गेट यूनिवर्सिटी का ही है, एंड मुझे भी लगी गया कि यही होगा आईटी कैंपस का गेट। सो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे रोड क्रॉस करनी थी, एंड रोड क्रॉस करने में ही मुझे 5 मिनट लग गए। सो रोड क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे चलने पे फाइनली मुझे वो बोर्ड दिख जाता है जहाँ पे लिखा होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद। तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ भैया, अब हम अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। तो मैं एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ता हूँ, एंड इन अंकल जी से मैं पूछता हूँ कि अंकल जी ये बीसीए की क्लास किधर चलती है? एंड अंकल जी मुझे कहते हैं आगे 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 आगे, कितना आगे जाऊं मैं? तो मैं आगे ही चलता चला जाता हूँ। रास्ते में भी एक दो लोग से पूछता रहता हूँ कि भैया ये बीसीए कहाँ चलता है, तो सभी मुझसे बोलते हैं आगे आगे आगे। सो तकरीबन 15 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक और गेट दिखाई देता है, एंड उसके बाद उस गेट पे पहुंचता हूँ तो मुझे एक और सिक्योरिटी गार्ड अंकल दिखाई देते हैं, एंड उनसे भी मैं जाके पूछ पड़ता हूँ कि अंकल जी ये बीसीए की क्लास कहाँ चलती है। सो ये अंकल जी मुझे इतना अच्छा ज्ञान देते हैं कि उसको सुनने के बाद मेरे घुटनों में चक्कर आ जाता है। सो गेट पे जो अंकल जी बैठे थे वो हमें बताए हुए थे कि पहली वाली बिल्डिंग तो आपकी नहीं ही होगी क्योंकि वहाँ पे बीटेक की क्लासेस चलती हैं। तो ये अंकल जी मुझे बताते हैं कि आपको पहली वाली बिल्डिंग में जो दूसरा वाला चैनल वहाँ पे जाना है, एंड जहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं वहीं पे पूछ लेना है कि बीसीए की क्लास कहाँ चलती है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? मैं जाऊँगा डायरेक्टर से पूछने क्या कि वहाँ पे बीसीए की क्लास कहाँ चलती है? खैर इन अंकल जी से पूछना तो मेरा बेकार ही चला गया। तो अब मैं सोचता हूँ क्यों ना आगे बढ़ के किसी स्टूडेंट से ही पूछा जाए कि भैया बीसीए की क्लास कहाँ चलती है। सो इसी होप के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूँ, एंड मुझे एक भाई दिखाई देते हैं, एंड मैं उनसे पूछ पड़ता हूँ कि भाई ये बीसीए की क्लासेस कहाँ चलती है। एंड ये भाई मुझे बताते हैं बीसीए की क्लास एमबीए डिपार्टमेंट में चलती है, एंड फॉर्चुनेटली ये भी बीसीए के ही स्टूडेंट होते हैं, तो ये भी डिपार्टमेंट की ओर ही जा रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो मेरी किस्मत उस टाइम पे काफी सही चल रही होती है, तो मैं इन भाई के साथ निकल जाता हूँ सीधे एमबीए डिपार्टमेंट। तो वहां पे पहुंच के मैं इनसे पूछता हूँ भाई यही ड्रेस है क्या? तो वो कहता है कि नहीं यार, ये तो बस एक फॉर्मल ड्रेस है, एंड ड्रेस तो ये पीछे जो लड़के हैं ये पहने हुए हैं, यही सेम ड्रेस लगनी है। सो ऐसे ही बात करते हुए हम एंट्री देते हैं एमबीए डिपार्टमेंट में। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. So, अब मुझे कंफर्म करना रहता है कि हमारी बीसीए की क्लासेस कब से रन होंगी और किस क्लास में रन होगी। So, इस सवाल को लेके हम पहुंच जाते हैं जूलियस सर की केबिन में। जी हाँ, ये एमबीए डिपार्टमेंट के ही एक प्रोफेसर होते हैं, एंड मुझे अपने हर सवालों का जवाब इनसे मिल जाता है। मैं एक्मिन सर। सर ये बीसीए की क्लास सर कब से चलेगी? From tomorrow onwards, new class will run. Okay, sir. सर ये ड्रेस वगैरह का क्या सीन है सर? ड्रेस क्या? You have to come in proper uniform. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much. So finally मुझे ये पता चल गया था कि अब मुझे कल से कॉलेज आना है, एंड मुझे एक प्रॉपर ड्रेस में आना है, एंड ड्रेस भी मुझे पता चल गई थी कि कौन सी है। तो ये सब पता चलने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं कैंटीन। So
एंड कैंटीन भी ठीक ठाक रहती है एंड वहाँ पे कुछ पेट पूजा करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर। हाय, आज मेरा पहला दिन होने वाला है कॉलेज का एंड मैं सुपर एक्साइटेड हूँ ड्रेस वगैरह पहन के। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade as you fade away. हाँ हाँ शौक मत हो, ये मैं ही हूँ। मेरी कैजुअल ड्रेस बदल गई एक फॉर्मल यूनिफॉर्म में एंड सनग्लासेस रिप्लेस हो गए कंप्यूटर ग्लासेस से। आखिर क्यों ना बदलूं मैं, क्योंकि मैं भी तो अब बीसीए का स्टूडेंट हो गया था, थोड़ा आईटी स्टूडेंट वाली वाइब आना भी तो जरूरी है ना। सो आज डिपार्टमेंट में मेरा पहला दिन होने वाला है एज अ स्टूडेंट इन बीसीए। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? एंड अभी मेरी करेंट सिचुएशन ये है कि मैं सुपर एक्साइटेड हूँ और थोड़ा हेजिटेटेड भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेरे लिए नया होने वाला था। नई क्लास, नए दोस्त, नए टीचर्स, काफी सारी चीजें हैं जिन पर मुझे अभी वर्क करना था। खैर, अब इस कॉलेज को देखने के बाद मुझे अपने भविष्य की जिम्मेदारियां दिखने लगी थी और मेरा इस कोर्स को चुनने का डिसीजन बिल्कुल सही था। अपने स्कूल लाइफ से इस यूनिवर्सिटी की लाइफ तक के सफर से मुझे एक चीज समझ में आया, अगर आपको अपनी जिंदगी में सच में कुछ हासिल करना है तो आपको खुद पर भरोसा करना पड़ेगा और हर उन हालातों से सीखना पड़ेगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। सो खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। Tell me what's wrong and why.